आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट पेश करने वाली हूँ और ये है वंडर शेप का कुकवेयर सेट। इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये रॉयल वेलवेट ब्लू कलर का सेट है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये फाइव कुकवेयर का सेट है। ठीक है, इसकी पैकिंग काफी अच्छी है और ये इसके अंदर भी एक बॉक्स है। ये देखिए डबल बॉक्स में पैकिंग है इसकी, बहुत सेफ रहता है। ये देखिए, वाव, सबसे पहले मेरा निकला ये मिनी फ्राई पैन, छोटू सा प्यारा सा। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पैन है, फ्राई तड़का पैन। तो चलिए पहले हम सबको निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि काफी अच्छी पैकिंग है इसकी। बॉक्स रखते हैं साइड में और ये देखिए तवा है, ये नॉन स्टिक तवा। ये बहुत अच्छी कोटिंग होती है फ्रेंड्स, ये कोटिंग खराब नहीं होता है फ्रेंड्स। ये 24 सेंटीमीटर का तवा है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। चलिए हम सेकंड प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राइंग पैन है, ये भी 24 सेंटीमीटर का है। इसका जो लुक है फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये रॉयल वेलवेट सेट है और वाकई में ये रॉयल वेलवेट के जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये बिल्कुल। इसको भी हम रख देते हैं। और ये देखिए एक कढ़ाई है, ये कढ़ाई देखिए, ये भी 24 सेंटीमीटर का है। देखिए फ्रेंड्स इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कढ़ाई कितनी सुंदर है, इसका डबल हैंडल है और ये हैंडल बिल्कुल सॉफ्ट टच है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब तक तो हमने नाम ही सुना था वंडर शेप का, बट अब यूज करके आपको इसका रिव्यू जरूर देंगे, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर एक लीड भी है, देखिए ग्लास की लीड है और इसका होल भी है प्रेशर निकलने के लिए। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आप जरूर इसको एक बार देखें। तो आज हम फ्रेंड इसमें कुछ मीठा बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई नया नया बर्तन है तो मीठा तो बनता है। तो चलिए आज हम कुछ इसमें मीठा बनाते हैं, देखिए क्या इसमें मीठा बनता है। मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब इसमें मैं हलवा बनाने वाली हूँ और हलवा सूजी का बनेगा। देखिए मैंने गुजिया बनाया था, गुजिया का ये बचा हुआ है स्टफिंग। आपका जब भी स्टफिंग बच जाए गुजिया का तो उसको रेस्ट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि क्या बनाना है, उसको हलवा बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और बच्चे तो ऐसे ही इसको खा जाते हैं, बट आप इसका हलवा बना के यूज कर सकते हैं और ये हलवा वाकई में फ्रेंड्स लाजवाब बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार जरूर ऐसे हलवा बनाइए। तो हमने इसमें घी नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने मावा डाला था तो वो बहुत ऑयली होता है। आप चाहे तो घी इसमें डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसको हम हल्का सा बस रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हमको एक ग्लास दूध लगेगा इसमें। आप इसको हाई फ्लेम पे बस एक से दो मिनट चलाते हुए भूनें। ये फ्रेंड्स हलवा बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये वंडर शेप का जो कुकवेयर सेट है इसका प्राइस 4500 है, बट मैंने अमेजोन से मंगाया था इसलिए मुझे 2553 का पड़ा है। तो आप एक बार ऑनलाइन जरूर चेक कर लिया करें कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले। तो ये देखिए हो गया है थोड़ा सॉफ्ट, अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो ये एक ग्लास मैंने दूध लिया है, आप इसमें डाल दें। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, बट ये कम नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो आप इसको चलाते हुए इसका दूध पूरा अच्छे से चला लें। फ्रेंड्स अगर किचन में बर्तन अच्छे हो और किचन अच्छा हो तो खाना बनाने में अच्छा लगता है। ये देखिए हलवा बिल्कुल ड्राई हो रहा है और आप देखिए हम घी बिल्कुल नहीं डाले थे, लेकिन इसकी कोटिंग भी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल चिपक नहीं रहा हलवा।
और प्लस ये इसमें हमने मावा डाला था इसलिए ऑयली हो गया है। देखिए बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छा है इसका फ्रेंड्स, इसकी कोटिंग बहुत अच्छी है। इसका रिव्यू तो हमने आपको इसी वीडियो में दे दिया, इतना अच्छा है इसका कोटिंग, और जो कि बिल्कुल भी खाना इसमें नहीं चिपकेगा। फ्राई फ्लेम पे इसको थोड़ा सुखा ले हलवा को, हलवा रेडी हो गया फ्रेंड्स। ये हलवा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2-3 से 4 मिनट लगेगा और इसका यूज भी हो जाता है जो आपका स्टफिंग बचा है, और ये बहुत टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है, इसका रिव्यू आपके सामने है तुरंत, और देखिए इसे कच्ची में चिपक गया है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये हलवा रेडी है, इसको हम गार्निश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये सूखा नारियल का कद्दूकस किया हुआ है इसको डाल देंगे, ये काजू मैंने डाला, बादाम, आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर लें, और ये कुछ किशमिश है, तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप एक बार जरूर वेंडर सबका ये कुकर से ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।